सतगुरु बंदी छोड़ है जीवन मुक्त करे उडाना, ऐसे दीनदयाल पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह दाता बंदी छोड़, जिन्हां ने ग्वालियर के किले चो 52 राजां नूं आजाद कराया सी। सतगुरु जी दे 52 कलियां वाले चोले नूं फड़ के 52 राजे जदों ग्वालियर के किले चो निकले तां दरबार साहिब अमृतसर पहुंचे तां संगतां वल्लों दीपमाला की गई, स्वागत किया गया और खुशी मनाई गई। सो इस दिहाड़े नूं बंदी छोड़ दिवस कह के भी मनाया जाता है। आओ संगतां नाल गलबात करते हैं। संगतां इस मौके देशों विदेशों तो खास तौर पर पहुँचदियां ने और गुरु घर दियां खुशियां प्राप्त करदियां ने। दिवाली दी रात दीवे बालियन तारे जात सनात अंबर पालियन। भाई गुरदास जी दिवाली बारे क्या खूब लिखते हैं और सिख धर्म दे विच बंदी छोड़ दिवस अहम भूमिका निभाउंदा है, क्योंकि दाता बंदी छोड़ सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह जदों अमृतसर पहुँचे तो संगतां ने आओ भगत की और खुशी दे विच दीपमाला की। और हरिमंदर साहब की दिवाली अमृतसर की दिवाली वेखण वाली है। अक्सर कहिंदे ने दाल रोटी घर की दिवाली अमृतसर की, और दिवाली जदों मनाई जाती है तो रात नूं आतिशबाजी और दीपमाला संगतां वल्लों हरिमंदर साहब की परिक्रमा की जाती है। और निहंग सिंह लाडलियां फौजां श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार तो कौम के नाम संदेश सुनते हैं और जथेदार साहब इस मौके बंदी छोड़ दिवस के मौके पूरी सिख कौम नूं कौम के नाम एक संदेश पढ़ के सुनाते हैं। बहुत चंगा लगता जी, मैं स्पैशली दिवाली दे अवसर वास्ते मैं उरे मत्था टेकण वास्ते आया सी, और खासकर गुरु हरगोबिंद जी जिन्होंने 52 राजे नूं छड़ाए सी अज और दिवाली दा दिहाड़ा मनाया जांदा है। और दीपमाला जिहड़ी हुंदी है वह वर्ल्ड फेमस हैगी उरे, तो वह असी अपनी अखां नाल एक्चुअली लाइव देखण आए उरे। ये दिहाड़ा बहुत ही साढ़े सिख पंथ विच इतिहासिक दिहाड़ा है। 6वें पातशाह श्री हरगोबिंद साहब जी ने बंदी छोड़ दिवस दिवाली वाले दिन ग्वालियर के किले तो 52 राजियां नूं छड़ाया सी। इस करके उस खुशी दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी ते दरबार साहब आए सन। इस करके दिवाली वाले दिन बंदी छोड़ दिवस मनाया ते दीपमाला की जाती है। इस दा संबंध साढ़े दिवाली दे बजाए साढ़े सिख धर्म नाल बहुत वधिया संबंध है। सिख धर्म में दिवाली नहीं जाके बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। राजियां नूं छड़ाण दे संबंध में ही 6वें पातशाह जी ने इत्थे आए तो उहदे संबंध में ही बंदी छोड़ दिवस मनाया। बहुत ही खुशी हुंदी है उस दिन, दीपमाला की जाती है, आतिशबाजी की, सारा सिख पंथ बहुत ही शुभ दिहाड़े नूं बहुत ही वधिया तरीके नाल मनाता है। देखो जी, मैं इहदे बारे एक बड़ा सुंदर मैसेज देना चाहना भी जदों 6वें पातशाह ग्वालियर की जेल च गए तो उन्होंने सभे सांझी वालसदायन कोई ना दिसे साढ़ा जियो दा उपदेश दिता। जदों 52 राजा ने मंग की गुरु साहब अगे भी, गुरु साहब कृपा करो आप भारी हो इस राजे दे उपर, ये जहांगीर दे उपर तुहाडी विचार जिहड़ी है वो बहुत भारी है, तुसी आप तां अज इत्थों जा ही रहे हो लेकिन तुहाडी रिहाई नाल साडी रिहाई भी हो सकती है। तो गुरु साहब ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिता संसार नूं भी, जिथे एक मुसलमान राजा 5वें पातशाह नूं शहीद करता है उस तो उपरंत 6वें पातशाह नूं कैद करता है, लेकिन जिस वक्त गुरु साहब जी आ लुकाई नूं 52 राजां नूं आजाद कराउंदे हन तो उहदे विच धर्म नहीं देखते, उन्हां दा स्थान नहीं देखते, वह कित्थों दे राजे हन, सिर्फ परोपकार दी दृष्टि देखते हैं। इस करके उन्हां नूं भारी गुरु कहा गया है। और उन्हां दी विचारधारा जिहड़ी सिख धर्म की मुढ़ली विचारधारा गुरु नानक पातशाह दे सभे सांझी वालसदायन कोई ना दिसे साढ़ा जी, वह चार वर्णां नूं एक उपदेश सिखी दा जांदा है दिवाली नूं भी, इत्थे चाहे हिंदू मनावे राम दिवस, राम जी का अयोध्या दिवस मनावे, चाहे एक सिख हो के वो 5वें पातशाह 6वें पातशाह याद करते हुए बंदी छोड़ दिवस मनाए, लेकिन समाज में तो मैसेज एक रोशनाई का ही जाता है ना बई, ये समाज के संसार की सिरजना कोई एक वर्णमंड के हिसाब नाल नहीं हुई, इत्थे सारे लोग जिन्हें भी तुहानू नज़र आउणगे सब परमेश्वर की औलाद ने, अकाल पुरख की, तो सानू भलाई करदिआं जीवन च विचरदिआं त्यौहार मनांदिआं भाईचारे का प्रतीक बनना चाहिए है, तो एक दूजे के नाल मिलके
इस खुशी नूं वंडो तां होर दूनी चार चौगुनी हो सकदी आ।